जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, यानी मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे भी दुष्कर कार्य है कि रिसेंटमेंट नहीं रखना चाहिए, यानी द्वेष और क्रोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमें किसी के प्रति द्वेष और क्रोध क्यों होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि लोग हमारे साथ गलत करते हैं। कोई अगर हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम उसके प्रति द्वेष की भावना को पाल लेते हैं, उससे क्रोध करने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई हमारे साथ गलत करता है? क्योंकि ये जो दुनिया है ये परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खामियाँ हैं। हम अगर कितना भी अच्छा किसी के साथ करें, लोग हमारे साथ बुरा करेंगे ही, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे ही। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, तो कोई मेरे साथ गलत करेगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे कि सामने शेर खड़ा है और लोग भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी भागो, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ, तो मुझे तो शेर नुकसान पहुँचाएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। उस शेर को फर्क नहीं पड़ता कि आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वो तो अपना काम करेगा। तो इसी प्रकार इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई दुष्ट होता है, कोई सरल होता है, कोई अहंकारी होता है, कोई विनम्र होता है। लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। क्या आप उन सभी लोगों की तरह बनना चाहते हैं या आप अपनी तरह शुद्ध रहना चाहते हैं? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आप अपने मन में द्वेष को पाल लेते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं को विकसित कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन एक मंदिर है, उसमें भगवान का वास होता है। तो दोनों नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती हैं। या तो आप भक्ति कर सकते हैं या फिर आप इन संसार में उलझ सकते हैं। अपने मन को या तो आप संसार में लगाइए या भगवान में लगाइए। अगर आप संसार में लगाते हैं तो आप भगवान से दूर हो रहे हैं और आपको भगवान से दूर नहीं होना है। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, 3 साल पहले आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई क्लोज फ्रेंड गुजर गया है और आज आप उसके बारे में सोच रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, आप अपने मन को उस विचार में लगा रहे हैं, आप अपने मन को भूतकाल में पहुंचा रहे हैं। तो आज जो वर्तमान में आप भक्ति कर सकते थे, आप वो छोड़कर भूतकाल में पहुंच गए हैं। तो आपने ये समय गंवा दिया, आप भगवान से दूर हो गए। इसी प्रकार मान लीजिए किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो आप उस इंसान के बारे में ही सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया, ये इंसान बुरा है, ये इंसान गलत है। आप बोल रहे हैं ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप उसके नाम का जाप कर रहे हैं। भगवान का चिंतन और भगवान का जाप छोड़कर आप किसी मनुष्य का चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ देखने को मिलता है कि दोनों ही अवस्थाओं में आप मोह और द्वेष, ये दोनों ही जो चरम भावनाएं हैं, इन दोनों में उलझे हुए हैं और अपना वर्तमान खो रहे हैं। प्रभु को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो अपने मन में सकारात्मक ऊर्जाओं को रखते हैं, प्रेम, करुणा, दया, न्याय, धर्म, सत्य, भक्ति, इन सभी को जो रखता है वो भगवान के प्रिय होते हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जाओं को रखता है, द्वेष, मोह, काम, लोभ, माया, लालच, कपट, छल, ये व्यक्ति भगवान को उतने प्रिय नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका निवारण कैसे पाया जाए। मोह से बचना फिर भी आसान है, लेकिन द्वेष और क्रोध से बाहर निकलना कठिन है। चलिए एक कहानी के तौर पर समझते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों में बैलेंस बनाकर चल सकते हैं, कैसे हम स्थिरता ला सकते हैं। कृपालु महाराज जी के कथन से इसके समाधान को जानने की कोशिश करते हैं। बनारस में कुत्ता रहता था। वह एक दिन एक आश्रम आ पहुंचा जहां उसने एक और कुत्ते को देखा
और उसने उसे कहा कि तुम यहाँ क्यों पड़े रहते हो, यहाँ कोई भक्त अगर आकर सूखी रोटी डाल दे तो तुम खा लेते हो, वरना तुम भूखे पेट ही सो जाते हो। तुम मेरे साथ बनारस चलो, वहाँ पे बहुत सारी हलवाई की दुकानें हैं, वहाँ तुम्हें तरह तरह के व्यंजन, स्वादिष्ट अमृत मालपुए खाने को मिलेंगे। तो दोनों योजना बनाते हैं कि रोज 12-12 किलोमीटर चलेंगे तो 5 दिनों में पहुंच जाएंगे। वह सुबह 6 बजे निकल लेते हैं और शाम तक एक गांव के पास आ पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सोचते हैं ये बहुत सही जगह है, हम यहां रात को ठहर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और कुछ भोजन का भी आयोजन कर सकते हैं। लेकिन वे जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक कुत्तों का झुंड आ जाता है और उन पर भौंकने लगता है, और क्योंकि कुत्ते अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं तो हर कुत्ता समझता है मैं अपने क्षेत्र का शेर हूँ और किसी और जानवर को वहाँ नहीं आने देते हैं। तो इन दोनों ने सोचा कि यहाँ ठहरना तो मुमकिन नहीं, वे कहते हैं कि ये तो बहुत बुरे हैं, ये हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। तो योजना के अनुसार हम किसी और गाँव में चलते हैं, जो हम कल पहुँचने वाले थे उस गाँव में आज चले जाते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं। ये कहकर दोनों फिर से चल पड़ते हैं। चलते चलते रात के 3 बजे दूसरे गांव में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही फिर वह अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो एक और कुत्तों का झुंड वहां भी आ जाता है और उन पे भौंकने लगता है। अब ये सोचते हैं कि ये भी बहुत बुरे हैं, हम कहीं और चलते हैं। तो ऐसा करते करते 2 दिन के अंदर वह बनारस पहुँच जाते हैं। जो सफर 5 दिनों में तय होने वाला था वो 2 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि इस दुनिया में लोग भी उसी प्रकार के होते हैं। लोग आपसे द्वेष करेंगे, आप पर चिल्लाएंगे, आपसे घृणा करेंगे, लेकिन आप उनके मुंह लगेंगे तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। मान लो अगर ये कुत्ते हर झुंड के साथ लड़ने लग जाते और कहते कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो फिर क्या होता, वे घायल होकर किसी पेड़ के नीचे पड़े होते। तो हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि हम इस दुनिया में उलझे रहेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमारा जो जन्म लेने का उद्देश्य है वह है प्रभु मिलन, हमें भगवान को देखना है, हमें मोक्ष पाना है, इस संसार रूपी दुनिया माया से दूर होना है, वरना हम बार बार जन्म लेंगे, स्मृति लोक में बार बार कष्ट को भोगेंगे और कभी भी तर नहीं पाएंगे और हम अपने कर्तव्य से भी विमुख हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम इस संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करें, अपनी ड्यूटीज और जिम्मेदारियों को निभाते चलें और प्रभु का नाम लेते चलें। ये दुनिया तो ऐसी ही है, आप फिर क्यों किसी के कारण अपनी शांति को भंग करें, क्यों किसी को खुद को डिस्टर्ब होने दें। आप अपना सफर जारी रखिए, अपने मार्ग पर चलते रहिए। राग, कामना, द्वेष, शोक, इन सभी इमोशंस, इन सभी भावनाओं के बीच में बैलेंस बनाकर रखिए, अपने सेंटिमेंट्स पर काबू पाइए। अगर आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो ये चीजें आपको उतनी डिस्टर्ब नहीं करेंगी, आप विचलित नहीं होंगे। लेकिन फिर भी एक साधक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपनी बुद्धि को स्थिर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन बनारस वाले मुसाफिरों की तरह आप भी अपनी मंजिल तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्णा।